नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कुछ दिनों से कि आलोक इंडस्ट्रीज में ना तो अपर सर्किट लग रहा है ना ही लोअर सर्किट लग रहा है, तो हम में से काफ़ी लोग मतलब कन्फ्यूज हैं कि भाई हो क्या रहा है। अब रिजल्ट का टाइम आ गया है और ये आलोक इंडस्ट्रीज कभी नीचे जाता है कभी ऊपर जाता है, तो हम करें तो क्या करें, खरीदें नहीं खरीदें, बेचें इंट्राडे करें क्या करें। तो आज मैं इसी के ऊपर कुछ चर्चा करने आया हूं आप लोगों के साथ कि आलोक इंडस्ट्रीज में भी जो हो रहा है अभी नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही है, इसके अंदर ना तो कोई अपर सर्किट लग रहा है ज़्यादा ना तो कोई जो है वो लोअर सर्किट लग रहा है। तो आज आप देखेंगे कि आलोक इंडस्ट्रीज में जो BSE पे इसका क्लोजिंग प्राइस 22.20 रुपया और NSE पे 22.15 रुपया था। मैंने हमेशा जो है इस बात को बोला है पिछले कुछ वीडियोस में कि 21 रुपये से 22 रुपये के बीच में आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा 22.50 या 21.50 से 22.50, आप जो भी 50 पैसा ऊपर नीचे मान लीजिए, आपको इसके रेंज में एंट्री करना है। क्योंकि शेयर जो है वो शेयर अब ना तो ये 19 रुपया और 18 रुपया पे आने की संभावना बहुत कम है, मैंने पहले भी बोला था और काफ़ी लोगों ने एंट्री इसमें लिया भी उस प्राइस पे, और अभी तक वो ऑलमोस्ट जो है वो उसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। ना तो उनको बहुत फायदा हुआ है ना तो नुकसान हुआ है, मगर उन्होंने अपनी एंट्री बना ली है। यानी यहाँ से जब कभी भी ये शेयर प्राइस जो है ऊपर की ओर भागेगा तो इसका उनको बेनिफिट मिलेगा। तो नीचे तो ज़्यादा आ नहीं सकता है ऐसा लग नहीं रहा है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जो कि ये जो आप देखेंगे आज ये NSE का आप देखेंगे तो लो बनाया था 21.45 रुपये का। तो आप अगर पिछले कुछ दिन का रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिए, ये जैसे ही शेयर नीचे 21.45 रुपये पे आता है वैसे ही इसको ऊपर की ओर पुल कर लेते हैं। एक बार याद है मैंने पहले भी बताया था कि बायर्स जो थे वो कम थे और सेलर 37 लाख आ गए थे, और जैसे ही शेयर नीचे फॉल होने लगा और 21.45 तक पहुंचा इन तो ऑपरेटर्स ने या बड़े प्लेयर्स ने क्या किया कि उनका सारा का सारा शेयर खरीद लिया, ऑब्जर्व कर लिया और 21.45 से जो है वो वापस ऊपर की ओर खींच लिया प्राइस को। तो मैं 21.45 रुपये पे यहाँ पे इसका बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, और ये जो शेयर है ये 21 रुपया से नीचे जाए इसकी संभावना भी बहुत कम है। और ये जो है ये अब रिजल्ट का टाइम जैसे जैसे आता जाएगा नजदीक वैसे वैसे इसके अंदर अब ऊपर ही जाना है, इसको नीचे नहीं आना है। तो आप लोग इसके अंदर जो है अगर बहुत ज्यादा आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ही इसके अंदर जो है वो आप इंट्राडे करें या जो भी करना है आप वो करें। क्योंकि आज आप देखेंगे तो आज इंट्राडे बहुत हुआ है, आज सिर्फ डिलीवरी हुई है आप स्क्रीन पर देखिए 26.78% की, और जो टोटल शेयर ट्रेड हुए थे वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो टोटल जो शेयर जो ट्रेड हुए हैं वो शेयर ट्रेड हुआ है आपका 95,39,268, मगर अभी तक जो अपडेट हुआ है यहाँ पे वो अपडेट अभी तक 86,21,720 शेयर ही अपडेट हुआ है, जिसके अनुसार 26.78% डिलीवरी उठाई गई है। यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्या हो रहा है कि आपको लोग इंट्राडे कर रहे हैं। आज प्राइस में फ्लक्चुएशन जो है अगर आप देखेंगे तो इसका हाई गया है 22.80 रुपया, लो गया है 21.45 रुपया, मतलब आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है 1.35 रुपया का डिफरेंस रहा है लो और हाई में, और इस 1.35 रुपया के अंदर में जो है वो बहुत ज्यादा इंट्राडे हुआ है। तो इसमें इंट्राडे में रिस्क है, जो इस इंट्राडे के आर्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं वो कर सकते हैं, जो रिस्क कवर कर सकते हैं कि भाई कुछ नुकसान भी हो गया तो कोई बात नहीं, वरना जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं वो इस मैं हमेशा कहता हूं कि इंट्राडे से दूर रहें। तो आइए अब हम आगे आते हैं इसके आगे। तो आज जो अगर हम पैटर्न देखेंगे तो आप ये देखिए आज मोटा मोटी खरीदारी हुई है थोड़ी बहुत, यानी 3 मिलियन रुपये का जो है आज खरीदारी हुआ है। आप इनफ्लो देखिए 106 है, आउटफ्लो देखिए 103 है, तो इसके अंदर जो है वो खरीदारी हुआ है। और जो लार्ज प्लेयर हैं उन्होंने आज खरीदारी ज्यादा की है, यानी 31.27 का अगर आप देखेंगे मिलियन का तो इन्होंने खरीदारी की है, और बड़े प्लेयर ने बेचा कम है 22.77 का देखेंगे तो इन्होंने बेचा है।
मीडियम प्लेयर ने भी जो है वो 52.39 जो है 100 मिलियन रुपए की जो है वो खरीदारी की है, मगर उन्होंने बेचा ज्यादा है। आप देखिए मीडियम प्लेयर का मतलब होता है कि जिनका जो है वो अमाउंट एक बार में बहुत ज्यादा नहीं लगाते हैं, और बड़े प्लेयर एक बार में बहुत ज्यादा अमाउंट लगाते हैं। तो आज जो बड़े प्लेयर हैं ये थोड़ा सा अंदर जो है उन्होंने क्या किया, आज बेचा भी और खरीदा भी, और लास्ट लास्ट में उन्होंने खरीदा है, इसलिए आप देखेंगे तो $3 मिलियन जो है उसकी खरीदारी ज्यादा हुई है शेयर में। हालांकि गया तो है आज लोअर, मतलब थोड़ा डाउन क्लोज हुआ है, नीचे के प्राइस पे क्लोज हुआ है, लेकिन इसके अंदर आज खरीदारी हुई है, ये आप देखिए। उसके बाद लास्ट 5 डेज का हम देखें तो आप ये देखिए कि कल जो था वो कल बिकवाली हुई थी ये 38 मिलियन INR का, और आज आप ये देखिए 8.5 INR की खरीदारी हुई है, मतलब नीचे आने के बाद भी जो है 8.5 मिलियन का जो है खरीदारी हुआ। ये देखिए 8.5 कैसे आया, 106 और 103, तो देखेंगे आप ये जो है सो लगभग 6 का डिफरेंस है, यानी यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे जो है उसको कुछ और कंसोलिडेट किया हो गया तो 8.5 मिलियन का जो है आज खरीदारी हुआ है। तो देखने में जरूर लग रहा है कि ये शेयर प्राइस जो है नीचे जा रहा है, मगर इसके अंदर खरीदारी बीच बीच में हो रही है, और कभी कभी तो आप ये देख रहे हैं ये जो है इसका ये ब्लॉक कितना बड़ा है, यानी कि फ्राइडे को जो था वो काफी ज्यादा इसका ब्लॉक हुआ था। अब उसके आगे मैं दिखाऊं आपको डेटा दिखाऊं तो मैं डेटा में ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ ये 12 तारीख से 27 तारीख के बीच का डेटा है। देख रहे हैं आप ये 12 तारीख से जो है वो 27 तारीख के बीच का डेटा है, और आप ये देखेंगे कि 12 अक्टूबर को 22.45 रुपए पे था, और आज जो है 27 अक्टूबर को ये 22.15 रुपए पे है, देख रहे हैं आप। और बाकी मैंने पहले भी कहा था इसका, देखिए आप अगर क्लोजिंग प्राइस देखिए तो 22.45, 21.45, 22.50, 22.95, 23.20, 22.80, 21.90, 21.85, आप देख रहे हैं ये 21, 22 और 23 के बीच में 1-2 रुपया के बीच में ही ये ट्रेड कर रहा है। तो इसके अंदर जो है अभी ना तो अपर सर्किट लग रहा है ना लोअर सर्किट लग रहा है, लेकिन अब है जो कि मैंने वीडियो का टाइटल दिया है कि अब लगेगा तो कब से लगेगा, तो आप इंतजार कीजिए कोई भी नोटिफिकेशन का आलोक इंडस्ट्रीज में जो कि रिजल्ट से रिलेटेड आए। जिस दिन नोटिफिकेशन आ गया कि इतना तारीख को आलोक इंडस्ट्री का रिजल्ट जो है जो पब्लिश होगा, उस दिन से मुझे लग रहा है कि इसमें अपर सर्किट तब लगना शुरू हो सकता है, उसके पहले अपर सर्किट लगने का चांस कम है। बीच में अगर एक आध दिन लग जाए तो लग जाए, नहीं वो कंटिन्यू नहीं होगा जब तक कि इसमें कोई भी रिजल्ट से रिलेटेड जो है रिजल्ट डेट अनाउंस करने का अनाउंसमेंट नहीं आएगा, ऐसा कोई नोटिफिकेशन तब तक नहीं होगा, संभावना नहीं है कि अपर सर्किट लग सकता है। और किसी दिन अगर एक बार अगर नीचे आ रहा है या ज्यादा आ रहा है तो आप घबराए ना, 21 रुपया 22 पैसा, 21 रुपया 20 पैसा जो है या 22 रुपया कुछ पैसा इसी के बीच में ट्रेड करेगा, तो किसी दिन थोड़ा सा अगर मार्केट नीचे क्लोज हो तो आप ये ना समझे कि ये नीचे क्लोज हो रहा है, या थोड़ा सा ऊपर जाए तो ये ना समझे कि बहुत ऊपर भाग रहा है, ये अभी रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है, और ये तब ज्यादा तेजी से ऊपर भागेगा जब इसके अंदर जो है वो रिजल्ट का अनाउंसमेंट का कोई न्यूज आ जाएगा। और इसी के साथ जो है मैं आपको बताऊं कि मेरा ईमेल आईडी जो है stk.learning@gmail.com, और आप इसमें शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले या इसको सेल करने से पहले अपने फंड मैनेजर या किसी भी फिनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, एक छोटा सा अपडेट था जो मैंने आप लोगों को दे दिया, मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।